नमस्कार। जनादेश यात्रा में समाचार वाला का काफिला पहुंचा है पांकी। पांकी विधानसभा क्षेत्र अपने आप में खास इस वजह से है क्योंकि यहां दो दिग्गजों के बीच की लड़ाई है। विदेश सिंह यहां से लगातार चुनाव जीते रहे थे, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी, बाद में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। बाद में उनके देहांत के बाद इस सीट से उनके पुत्र बिट्टू सिंह चुनाव लड़े। उपचुनाव में वो जीत उन्होंने हासिल की, कांग्रेस के सिंबल पर वो जीत कर विधानसभा पहुंचे। लेकिन 2019 की कहानी बिल्कुल अलग है। 2019 की कहानी इस वजह से अलग है क्योंकि 2019 में बिट्टू सिंह के सामने शशिभूषण मेहता हैं, जो पहले यहां से दूसरे दल निर्दलीय से लड़ते थे, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव के समर में हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये दो महारथी जो हैं, इन दोनों के बीच की लड़ाई किस तरह से इस इलाके की राजनीति को बदलती है। तो हम आगे आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि पांकी के जो जनप्रतिनिधि हैं वो क्या सोचते हैं और यहाँ के जनता का मूड क्या है। देखिए, पांकी विधानसभा में जो चुनाव हो रहा है या पहले भी हुआ था, वो परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ हुआ था। परिवारवाद और वंशवाद का खात्मा करना और पांकी विधानसभा में दहशत और खेत गुंडागर्दी, ये प्रतिनिधि के द्वारा, उनके लोगों के द्वारा कराया जाता था। उससे मुक्ति दिलाने के लिए, उनको ने खुली हवा में सांस लेने के लिए लोग चुनाव में आगे बढ़ रहे हैं। और पूरे विधानसभा में हर कोई, जितने मतदाता हैं, वो सभी ये सोच के लड़ रहे हैं कि चुनाव डॉक्टर मेहता नहीं लड़ रहा है, हम चुनाव लड़ रहे हैं। अब इस सोच के साथ कि हम आज़ाद होंगे और हमें सत्ता में भागीदारी और विकास में हिस्सेदारी मिलेगी, जो आज तक 70 सालों से नहीं मिला। झारखंड में पांकी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो हमेशा अलग अलग वजहों से चर्चा में रहा। एक जमाने में पांकी को नक्सलवाद के गढ़ के तौर पर जाना जाता था। हाल के दिनों में पुलिसिया कार्रवाई की वजह से अब नक्सल नाम के ही इस इलाके में बचे हैं। बीजेपी हमेशा से इस इलाके पर अपना वर्चस्व चाहती थी, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विदेश सिंह ने बीजेपी को इस इलाके में पनपने नहीं दिया। हालांकि विदेश सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे बिट्टू यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन 2019 की लड़ाई अलग है। मैंने लोगों से कहा है कि पांकी विधानसभा में अब कमीशन खोरी नहीं रहेगा। विधायक का जो है सो कमीशन होता था पहले, 35% 40% पैसा दो तब ऐसा ये आपको कोई योजना मिलेगा, और योजना भी लटकले रहेगी आज तक ऐसा सैकड़ों योजना। तो ये कमीशन खोरी बंद करेंगे और उनको सत्ता में भागीदारी और विकास में हिस्सेदारी दे करके उनको हम सम्मानित करेंगे। शशिभूषण मेहता पिछले 15 सालों से इस इलाके में संघर्ष कर रहे हैं। इससे पहले तक वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर इस इलाके से किस्मत अजमाते रहे हैं। हालांकि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया। बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर इस बार शशिभूषण मेहता बिट्टू सिंह के सामने हैं। शशिभूषण मेहता कहते हैं कि इस बार वो जीत जरूर हासिल करेंगे। दरअसल जनादेश यात्रा में हम आपको अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की तस्वीर दिखा रहे हैं और अभी फिलहाल पांकी के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मेहता जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो समझना चाहेंगे कि आप राष्ट्रीय पार्टी में आए हैं और उसके बाद जो कैंपेन है, पांकी को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्योंकि लोगों के दिमाग में अभी भी पांकी को लेकर कई सारी तस्वीरें हैं। लोग समझते हैं कि वहाँ दिन में आदमी नहीं जा सकता है, नक्सल अफेक्टेड है, सड़कें नहीं हैं, बिजली की समस्या है। आप क्या मानते हैं? देखिए, पांकी का जो तस्वीर है वो सड़क को तो दुर्गति है ही, तो मानते हैं। जहाँ तक नक्सल का समस्या की बात है तो वो
0% है, केवल प्रेस मीडिया में है। और मतलब पहले का जो इमेज था आज का 10 साल 15 साल पहले, उसी इमेज को लोग ढो रहे हैं, वैसा नक्सल का कोई प्रॉब्लम है नहीं कहीं। आपने क्या सपना देखा है पांकी को लेकर, क्योंकि आप लंबा संघर्ष कर रहे हैं। मुझे याद है कि मैं 2014 में भी आया था, उस वक्त भी आप लड़ रहे थे, कल भी मैं उस इलाके में घूम रहा था, लोगों से मेरी बातचीत हो रही थी, कई ऐसे लोग मिले जिन्होंने आपकी चर्चा की। आपने क्या सपना देखा है पांकी को लेकर, क्योंकि आदमी एक बार चुनाव हारता है तो उसके बाद फिर दोबारा हिम्मत नहीं जुटा पाता है, और आप लगातार लड़ रहे हैं, तो आप क्या देखते हैं कि किस तरह से बदलाव आप कर सकते हैं पांकी को लेकर? देखिए, पांकी विधानसभा में जो चुनाव हो रहा है या पहले भी हुआ था, वो परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ हुआ था। परिवारवाद और वंशवाद का खात्मा करना, और पांकी विधानसभा में दहशत और खेत गुंडागर्दी ये प्रतिनिधि के द्वारा उनके लोगों के द्वारा कराया जाता था, उससे मुक्ति दिलाने के लिए, उनको मैंने खुली हवा में सांस लेने के लिए लोग चुनाव में सो आगे बढ़ रहे हैं। और पूरे विधानसभा में हर कोई जितने मतदाता हैं वो सभी ये सोच के लड़ रहे हैं कि चुनाव डॉक्टर मेहता नहीं लड़ रहा है, हम चुनाव लड़ रहे हैं, अब इस सोच के साथ कि हम आज़ाद होंगे और हमें सत्ता में भागीदारी और विकास में हिस्सेदारी मिलेगी, जो आज तक 70 सालों से नहीं मिला। बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने आप पे काफ़ी भरोसा जताया, लोग आपके विरोध में भी थे, आप मुझे याद है रांची में जो है, आपको क्या लगता है कि जो सीएम लगातार बार बार बोलते हैं कि जो अंतिम व्यक्ति है, गांव का व्यक्ति है, वहां तक हम बातों को पहुंचाएंगे, वहां तक हम योजनाओं को पहुंचाएंगे, आप मानते हैं कि आप उस लेवल पे लोगों तक पहुँच सकते हैं, जा सकते हैं? क्योंकि एक इससे जुड़ा हुआ एक और सवाल है, क्योंकि इस बार आप अकेले हैं, आपने देखा कि आंसू आपके साथ था लेकिन अब आंसू नहीं है, वो लगातार उन जगहों पे अपने प्रत्याशी को दे रहे हैं, और आपके इलाके में भी वहाँ से राधा कृष्ण किशोर आंसू से प्रत्याशी राधा कृष्ण किशोर कर रहा हूँ कि आंसू ये प्लानिंग कर रहे हैं कि तमाम जगहों पे, आज भी जो चौथी लिस्ट जारी हुई है आंसू की, उसमें कई ऐसी सीटें हैं जहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ उन्होंने अपना उम्मीदवार उतारा है। देखिए, जो हमारे केंद्रीय नेतृत्व, राज्य के नेतृत्व, मुख्यमंत्री साहब और जो भी पार्टी के हम लीडरान हैं, हम पर विश्वास जताए हैं, हम 200% खरा उतरेंगे, और जो आशा उम्मीद पार्टी को है पूरा करेंगे, साथ ही साथ जनता का जो उम्मीद है, जो जन जन का उम्मीद है उसको हम करेंगे। और मैंने लोगों से कहा है कि पांकी विधानसभा में अब कमीशन खोरी नहीं रहेगा, पर विधायक का जो है सो कमीशन होता था पहले, 35% 40% पैसा दो तब ऐसे ही आपको कोई योजना मिलेगा, और योजना भी लटकले रहेगी आज तक ऐसे सैकड़ों योजना, तो ये कमीशन खोरी बंद करेंगे और उनको सत्ता में भागीदारी और विकास में हिस्सेदारी दे करके उनको हम सम्मानित करेंगे। बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे साथ मेहता जी। दरअसल अब इसके बाद जब हम आपको लेकर चलेंगे इनके साथ में उन इलाकों में भी जहां ये कैंपेन करने के लिए जाते हैं, जो हमारा फॉर्मेट है उसमें हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो कैंपेन करते हैं उसमें जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर अभी फ़िलहाल ये जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए, जब हम आगे आएंगे तो आपको इनके साथ उन इलाकों में भी लेके जाएंगे जहां इनका जो इनकी कर्मभूमि है, और वहां ये जनता से जो बात करते हैं या मैसेज देते हैं, वो मैसेज क्या होता है।